बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार को गहरे दबाव क्षेत्र और बुधवार को चक्रवात दाना में बदल जाएगा। चक्रवात के रूप में तब्दील होकर 24 अक्टूबर की सुबह ये बंगाल की उत्तरी खाड़ी में पहुंचेगा। इसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 24 की रात अथवा 25 अक्टूबर की सुबह उड़ीसा की पूरी और बंगाल के सागर द्वीप पंचों के बीच तट के पार करेगा। इस दौरान हवा की गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। चक्रवात की आशंका को देखते हुए उड़ीसा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां 26 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई। चक्रवात के कारण उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में 23 से 25 अक्टूबर के बीच भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मंगलवार से प्रस्तावित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उड़ीसा दौरा भी टाल दिया गया। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी के अनुसार दाना को केंद्र में रखकर पूरे राज्य में अलर्ट जारी करने के साथ साथ ऐतिहासिक तौर पर 10 तटीय जिलों में ODRF के 17 टीमें तैनात कर दी गई। पर्यटकों से शहर खाली करने में 24 से 25 अक्टूबर को पूरी की यात्रा न करते तथा मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। वहीं पूरे चक्रवात की अवधि में नगर निगम का नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित रहेगा। एहतियात के तौर पर 250 राहत केंद्र व 500 अतिरिक्त राहत केंद्र बनाए गए। भुवनेश्वर मौसम विभाग के निदेशक मनोरमा महापात्र ने कहा कि दबाव का क्षेत्र बुधवार को अत्यधिक सक्रिय हो जाएगा। इससे उड़ीसा के तमाम जिलों में भारी बारिश की संभावना है। चक्रवात का असर राज्य के अन्य जिलों पर भी पड़ेगा जहां मध्यम दर्जे से लेकर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। वर्षा का ये क्रम 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वहीं इसका असर झारखंड और बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। 100 न्यूज की रिपोर्ट।